टाइम हो रहा है 7:59, मतलब 8 बज रहे हैं और सुबह हो गई है और आपका भाई जा रहा है बाबा के साथ फिशिंग पे। तो आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि फिशिंग पे जाओ और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही सही से धूप की वजह से। और सब सीन ऑन है, अम्मी ने खाना भी बना दिया है और कूलर भी ऑन है, बस अभी रास्ते चल के झींगे वींगे भी रास्ते से लेंगे, बर्फ भी रास्ते से डलवाएंगे। अभी रेडी हो गए, बस चाय वाय पीते हैं, नाश्ता नहीं कर रहा मैं कुछ भी, क्योंकि समंदर हिलजुल होता है ना यूं यूं तो उस पर उल्टी आती है, इसलिए मैं कुछ भी खाता नहीं हूँ, मैं बिना खाया जाता हूँ, बिल्कुल खाली पेट जाता हूँ, खाली पेट ही आता हूँ। तो जो अम्मी बना के भी देती है तो बाबा खाते हैं, बाबा के अंदर बर्दाश्त है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हम बच्चे हैं यार। खैर अभी हमें चलना है, चल के हम चाय वाय पीते हैं सही है, फिर उसके बाद हम बस फटाफट से निकलते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया, 8 बज गया, बाबा ने मुझे बोला था सुबह 6 बजे उठ जाना, मैं लेट उठा, मैं बिल्कुल अभी अभी उठा और उठते ही मैं रेडी हो गया, फटाफट से हम निकलते हैं। पहले चलते हैं, अम्मी से ही मिलवाता हूँ, बाबा से ही मिलवाता हूँ, जब तक के लिए तुम सब लोग का हो गया वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। अच्छा ये आ गया खाना सही है, और ये हमारा कूलर आ गया, इसमें बर्फ अभी है नहीं। और दूसरा 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 मेरा ये बैग आ गया, बैग के अंदर मेरा ये ट्राइपॉड रखा हुआ है जो बहुत ज़रूरी है व्लॉग बनाने के लिए, और ये अंदर सारी डोरे पड़ी हैं, ये डोरे पड़ी हैं ठीक है। अभी ये सामान इसके अंदर आ गया, बस एक ये बैग लेके जा रहे हैं और एक वो कूलर लेके जा रहे हैं। और हमारी अम्मा सुबह सुबह उठ चुकी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ऐसी नींद नींद में लग रही हैं। मैं सोई नहीं हूँ आज पूरी रात। क्यों? पहले वहाँ से 3 बजे आई। हाँ मुझे पता है, मैं आवाज आई थी, मैं उठा नहीं, फिर मैं तुम्हारे इसमें लग गई थी काम में कुछ अपना। खैर बस अब जो है बस फटाफट निकलेंगे। ये हमारे बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आपको बहुत शौक है फिशिंग का, लोगों ने बोला है कि तुम्हारे आपके बाबा को बहुत शौक है, और मुझे भी बाबा इन लोग को बताएं कि मुझे भी आपकी वजह से शौक चढ़ा है, आप ही मुझे लेके जाते थे जब मैं छोटा था, और अब जब मैं बोलता हूँ तो अब लेके नहीं जाते, ऐसा ही है ना? क्यों नहीं लेके जाता, मैं तो समझता हूँ कि मैं इस तरह से तो नहीं जाता था जिस तरह से तुम मुझको लेके चले जाते हो, हैं हर तरह से मतलब पटा लेते हो, मतलब मेरा मूड ना भी हो तो मतलब। अच्छा अगर आप लोग ने कल का व्लॉग नहीं देखा तो मैं बोलूंगा कल का व्लॉग जाके देखो, बाबू की कैसे मैंने पटाया, पाँव दबाए, सर दबाए, मालिश करी, डायरेक्ट बोला नहीं जाता, डायरेक्ट नहीं बोलता कि बाबा ले चले, बाबा कभी मूड सही कभी खराब, आते हैं वहां से काम से तो जाहिर सी बात है इंसान थका हुआ होता है, उसका मूड कैसा है पहले पता करना पड़ता है। मैं जो है सर दबाया, पाँव दबाया, तब भी बोला नहीं, यहाँ रखी हुई थी डोरे, देख के बोले क्या प्लान है, क्या प्लान है, फिर इनको खुद भी दिल चाह रहा था, फिर मैंने बोला कि बाबा चले, तो बोले अच्छा चलो फिर उठ जाना सुबह 6 बजे। बोल तो दुआ करें मछली के लिए। हाँ दुआ करना यार तुम लोग बहुत सारी कि आज बहुत सारी फिश आए, और पहली बात तो आज तो वेदर अच्छा है, आज मैंने अभी देखा था नेट पे, तो नेट पे एक ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने वेदर देखा, तो आज का वेदर ऐसा बता रहा है कि समंदर तेज नहीं है और फिशिंग के लिए आज से आज अच्छा है। पिछली दफा भी अब्बासी गए थे, जो जैन लोग गए थे, जैन मैं बाबा और अनस, तो वहां पे जो है समंदर बहुत तेज था क्योंकि वो समंदर बहुत गहरा है तो वो तेज होता है, तो वहां पे अब्बासी गए थे तो वापस आ गए थे, वहां रुके नहीं थे, तो आज हम जा रहे हैं अब्बासी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, देखते क्या सीन है क्या सीन नहीं है, तो मजा आएगा इंशाल्लाह आप लोग को, यार हम लोग को जैसा ही मजा है आप लोग को मजा आएगा व्लॉग देखने में, ये मेरा वादा है। मैं कल सो गया था तो ये काम अच्छा किया ना तुमने, चलो चलते हैं यार बस फटाफट। अच्छा अम्मी ने मुझे एकदम बोला है ना ऐसे उठाओ, तो मैं एक बात बोलना बताना आप लोग को भूल गया था कि समंदर में जाने के लिए आपके पास NIC होना लाजमी है। किमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मनोड़ा से भी आगे ये टर्मिनल पे जाने के लिए, फिशिंग पे जाने के लिए NIC कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि बीच में समंदर के बीच में एक शिप होती है नेवी की, तो वहाँ पे हम रुकते हैं, वहाँ रुक के वो फॉर्म फिल होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर डलता है, ताकि उनकी नॉलेज में आ जाए कि समंदर से टर्मिनल तक कोई गया है, ये लोग गए, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में आए, तो शनाख्ती कार्ड लाजमी लेके जाओ अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो। डिसाइड ये करा है कि बाबा बोल रहे हैं कूलर नहीं लेके जाओ, छोड़ो कूलर बहुत बड़ा है, तो बस अपना एक बैग लेके जाओ। रास्ते में ही है, लेट हो गए काफी, और ये रोड चल रहा है रेडियो पाकिस्तान का।
बाकी सब ठीक है। जाने से पहले ना यहाँ पे नेटी जेटी के पुल पे रुक के ना यार ये लाजमी खिलाया करो मछलियों को ना, ये डालना यहाँ पे जरूरी है यार। ये आप लोग भी ख्याल करो, जब भी कहीं जाओ तो ये लाजमी डालो, और ये डालते हुए जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है, तो कबूल यहाँ पे दुआ भी करना अच्छी बात है। बस ये हम डालते हैं यहाँ पे फटाफट से, इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ, फिर ये डालने के बाद वो फटाफट से निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे, आप डायरेक्ट किमाड़ी में मिलूंगा। ऐसा है कि यार हम लोग आ गए कि किमाड़ी, और यार मुझे सामान वामान भी लेना था तो कोल्ड ड्रिंक ले लिए और सामान भी ले लिया, झींगे भी ले लिए, बस एक दो ये लेज़ भी ले लेते हैं, एक को दो दोनों बस ये सेम यही ले लेते हैं, मैं यही खाता हूँ क्योंकि केचप वाले। अब अंदर चलते हैं, मैं शिप में चल के बैठ के आपसे डायरेक्ट वहीं मिलूंगा, मतलब अभी रास्ते वास्ते आप कुछ भी नहीं है, बस सामने समंदर है और अंदर शिप है बस। अच्छा जी, लंच में हम लोग बैठ चुके हैं और ये रहा समंदर, पूरा सामने पूरा समंदर है, ये तो खैर किमाड़ी है, अभी आगे समंदर में जाके मिलेंगे, ये हमारे बाबा ही बर्थडे में, लेकिन टाइम लगेगा अभी निकलने में, टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हम लोग को चाहिए थी जगह ये वाली, और ये वाली जगह खाली लंच में मिली, तो पहले जो भरी हुई थी उसमें जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए इसमें टाइम लगेगा इस वाली में। सारे इंतजार के बाद निकल गए और टाइम हो रहा है मेरे ख्याल में, टाइम क्या हो रहा है बाबा, 10:30-11 बजने वाले हैं, 10:30-11 बजने वाले हैं, काम सुबह 6 बजे आने वाले थे, चल रहे हैं, तो मैं बस आपके पहुंच के मिलता हूं आपसे, क्योंकि चल लिए और मैं खड़ा हुआ ऐसा हूं, डेंजर है, तो वहीं जहां पे भी जा रहे हैं वहां पहुंच के मिलता हूं, बताता हूं फिर पॉइंट कौन से पॉइंट पे है। भी हम रास्ते में ही हैं, वो रहा चैनल क्रॉस कर दिया और ये आगे जा रहे हैं, अब जो है पीछे का कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसी जगह जाके खड़े होंगे यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये समंदर जैन भाई और अनस भाई देख लो यार, आज समंदर बिल्कुल सही है, बोला था कभी कभार सही होता है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है समंदर, तो अभी चलते हैं, अब जहाँ पे भी चलेंगे रुक के मैं आपसे रुक के ही मिलता हूँ यार, फिर कैमरा वैमरा लगा के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पता चल जाएगा। बाकी समंदर बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट। अभी एक जगह पे रुके हैं, वहां पे देखते हैं चल के। आते ही दो पकड़ लिए अभी तक मैंने खुद, माशाल्लाह। अच्छा वाली जगह पे सिर्फ 3 ही पकड़ी और वाली जगह जो है अब छोड़ दिए, मतलब अभी रास्ते में अब और आगे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे किसी को भी नहीं पकड़ रहे, किसी के भी नहीं आ रही थी डोर में, और कुछ ही लोगों ने पकड़ी और छोटी छोटी सी आ रही थी ना, ज़्यादा बड़ी कोई नहीं थी, तो इसलिए जगह चेंज कर दी, अभी जा रहे हैं, तो जहाँ भी जा रहे हैं अब तो दूर दूर तक मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ समंदर ही दिख रहा है, तो अभी रास्ते में ही है, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाके दोबारा डोरी करते हैं, दोबारा बताता हूँ, आवाज़ कम आ रही होगी, मोबाइल यहाँ रखा हुआ है और ये मोबाइल मैंने ट्रैपोर्ट पे रखा हुआ है, ये देख लो ये पूरा समंदर, तो सीन अभी यही है कि बस सही है, मतलब समंदर बहुत अच्छा है, आज कोई तबीयत ख़राब नहीं, कोई वाला ऐसा वाला सीन है ही नहीं, मतलब जैन आपको आना चाहिए था आज, खैर कोई बात नहीं, खैर है अभी पीछे आप दूर दूर तक देखो, आप लोग को भी कुछ भी नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी मैं वापस मोबाइल यहाँ नीचे सेट कर देता हूँ, सही है, अब ये जहाँ पे भी रुकेंगे रुक के डोर करके फिर आपको निकाल के ऐसे दिखाते रहेंगे। मैंने दूसरी जगह पे भी आके निकाल ली मैंने, ओके यहाँ पे आके भी निकाल ली और बाबा ने भी निकाल ली, बाबा दिखाएं कैमरे में, दिखाएं करके बाबा ने ऐसे करके दिखाया, हाँ बाबा ने भी निकाल ली और आपके भाई ने भी निकाल लिया, फटाफट से दूसरी दफा भी डालते हैं जल्दी से, ये पहले निकाल दूं इसको एक मिनट।
भाई मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दो। ये किसी आई यार, इसको तो छोड़ ही देता हूँ मैं लाइव में। चलो जाओ, इसको छोड़ दिया। अगेन जगह चेंज हो गई है, अगेन जगह चेंज, और अभी भी चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ जितनी थोड़ी बहुत करी है हमने, और यहाँ पे अभी समंदर दोबारा जगह चेंज। ये पकड़ी है मैंने, देख लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरी जगह पे आते ही लग गया भाई एक और जबरदस्त। ओए ओए ओए, रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट सबर कर। अच्छा एक बात मैं मजे की बताऊं, बाबा ने अभी तक सिर्फ एक ही पकड़ी है बस। उसकी जबान कैसी आ रही है, बात दोबारा डाल दी। अब कोई एक और आता है तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ भाई। एक मछली मैंने पकड़ी और फिर किसी को नहीं आ रही थी किसी के हाथ में, तो फिर जगह चेंज, अब दोबारा दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अच्छा लाइफ जैकेट जो है जिस शिप वाले ने दिए कि पहन लो, कोई भी नहीं पहना पा पूरे शिप में, मैं ही पहना हूँ सिर्फ। बस पता नहीं शायद मैं डरपोक हूँ इस वजह से। बाबा बाबा कहाँ हैं, बाबा ने भी एक मछली पकड़ी है, मैं बाबा से भी तो मिलवा दूँ आप लोग को। अरे यहाँ बैठे में बाबा क्या हुआ, मछली क्यों नहीं पकड़ रहे? एक मछली पकड़ी। और कितनी मैंने कितनी पकड़ी है? तुमने शायद 3-4। मैंने पकड़ी है 5, आपने 1, टोटल 6 है अभी। कैसा? जबरदस्त। पिछली दफा से तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत तो उम्मीद तो हो रही है। दूसरी जगह पे भी, तीसरी चौथी जगह पे भी आते ही भाई निकाल लिया। बाबा क्या कर रहे हैं आप, हैं? ये तो मैं ही कर रहा हूँ कब से। अभी ये वही डोर है जो मैंने अभी बनाई है, निकाल लूंगा मैं, टेंशन नहीं है। गाइस एक और आ गया, गाइस लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, देखो कितनी मेहनत लग रही है ब्लॉग के चक्कर में। बाबा ने भी एक मछली पकड़ी, बाबा दिखाएं, बाबा ने भी ये पकड़ी है, और कपड़दान मेरी भी डोर में डाल ही रहा था, फिर इसको फटाफट डाल देता हूँ। देख ले बेटा जैन आपका भाई फुल फॉर्म में चल रहा है, आज बोला था आ जाता तो अच्छा होता तेरे लिए, तू ही पकड़ लेता, लेकिन गलत है, कोई बात नहीं, खैर मन मोर आ गई जी, एक और आ गई। ओके बाबा की अभी तक वही जो लास्ट आई हुई थी वही आई है, अभी तक नहीं आई मेरी एक और, इसको भी निकालते हैं फिर दोबारा डालते हैं। एक और आ गई गाइस, और ये जो है मुंह पे नहीं आई, ये आई है फाउल पे, ये इसको पता नहीं लाते हुए क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो कुछ और बोलते हैं ना, यूं करके जो मारते हैं यार खड़ो, तिगारा, तिगारे की तरह, ये तिगारे की तरह शो। एक और आ गया भाई, तो जो भी स्टाइल मार रहा हूँ भाई, कम अज कम गाइस मैं पकड़ तो रहा हूँ ना बाबा, तो वो भी नहीं पकड़ रहे गाइस, दो दो एक साथ। ओके बाबा और बोले आप, बस कितनी चाहिए? बहुत, एक घंटा दिलवा दें और बस, एक घंटा। ये भाई हमारी आज की फिशिंग, टोटल मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, बस ये आई है और बस इसके अंदर से दो बाबा ने पकड़ी है और सारी मैंने बड़ी पकड़ी है, बड़ी वाली भी मैंने पकड़ी है। ये रहे हमारे बाबा, और क्योंकि शिप चल रही है इसलिए मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, तो खैर कोई बात नहीं, मैं अपने आपको भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपका भाई, उन्हें आवाज़ हल्की आ रही होगी तो बर्दाश्त करो, कोई मसला नहीं है। अभी हम जो है मैं उतर के आपसे मिलता हूँ, फिर कुछ चाय वाय नाश्ता वाश्ता कुछ खाते पीते हैं, फिर बताता हूँ जो सीन होते हैं। इसको बाहर से बनवा दूंगा, बनवा के घर लेके जाऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन। ये सीन ऐसा है कि यार उतर चुके हैं हम लोग और बस रास्ते में हम जा रहे हैं बाहर, तो बाहर जाके अभी बाबा बोल रहे थे चाय वाय पी लो खाना ना खा लो, तो अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी, थकान हो रही है, घर जाके मुआवजा दूंगा, फ्रेश होऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा,
फिर सुकून मिलेगा। तो घर चल के मिलता हूँ मैं आप सब डायरेक्ट, रास्ते वास्ते थोड़े दिखा दूंगा बाबा ये रे। तो मछली भी अभी है बाबा बाहर से जो पकड़ी है वो बनवा लेंगे, और फिर वो बनवाने के बाद घर पे बस डायरेक्ट अब घर मिलूंगा, अब कहीं रास्ते वास्ते में कोई नहीं, डायरेक्ट घर, रास्ते के थोड़े से शॉर्ट्स वॉर्ट्स दिखा दूंगा बस, फिर उसके बाद घर चल के। जाते रास्ते में बंस रोड पड़ा था तो हमने यहाँ से ले लिए दही बड़े, वो लटके हुए मटके वाले खाएंगे हैं, मटके वाले, मटके वाले दही बड़े बाबा बता रहे हैं मशहूर हैं आगे। हाँ ये बंस रोड तो आपके भाई ने एक्सप्लोर करा भाई, जाके ब्लॉग देखो, और अगर नहीं देखा तो देख लो वो ब्लॉग, और इंशाल्लाह दोबारा भी एक्सप्लोर करेंगे पूरा बंस रोड। ये बनवा रहे हैं यहाँ पे बाबा मछली, वो बैठे हुए बाबा ये बनवा के घर, बीच बीच में रुक रहे हैं हर जगह पे। यही सीन ऐसा है कि यार मैं घर आ गया हूँ और अम्मी जो है बनाने लगी हैं वो क्या बोलते हैं उसको, फिश का सालन। तो अम्मी बना रही है फिश का सालन और उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो मैं आपको वो एक मिनट फिश दिखा देता हूँ। ये फिश के कुछ पीस करवाए थे हमने जो फिश पकड़ी थी, सही है, और उसके अलावा ये फिश है सारी सही है, और ये भाई वॉश होगी सही से, क्या पता चल गया, मतलब बेहतरीन। आज मजा आया यार, आज बहुत मजा आया, बहुत बहुत इंजॉय कर रहा है। खैर अभी अम्मी बना रही है सालन, तो जितनी देर में सालन बना रही हूँ उतनी देर में यार हम ये लेके आए थे क्या बोलते हैं उसको, दही बड़े बंस रोड के दही बड़े लाए थे, तो यार ये तो खाए, फटाफट इसको निकालते हैं और ये खाते हैं। बेहतरीन, मतलब बंस रोड के दही बड़े बहुत बहुत आला, बहुत उम्दा, मतलब टेस्ट इसका अभी तक वैसा ही है जो मैं बहुत पहले खाता था, और वैसा ही टेस्ट है बिल्कुल। अच्छा ये सीन ऐसा है कि यार हिबा घर में है नहीं, और हिबा है मेरे कजन का ब्राइडल शावर इन लोग ने अरेंज करा है, तो ये लोग सब वहीं पर ही हैं, सारी कजन वहीं पर ही हैं, तो इसलिए हिबा भी घर पे नहीं है, और अम्मी भी अभी जा रही हैं वापस, अम्मी को मैं लेता हुआ आया था, तो अम्मी भी अभी वापस कालियागढ़ जाएंगी। बस खाना वाना खाऊंगा मैं, खाना वाना खाने के बाद मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, तो खाना खाने के बाद मैं व्लॉग एंड कर दूंगा। अभी अम्मी पहले सालन बना दें जो बना रही हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे कैसा बनाया है अम्मी ने, और हमारी बिल्कुल फ्रेश फिश, अपने हाथ की पकड़ी हुई फ्रेश फिश का सालन खाएंगे आज, मतलब बेहतरीन यार। तो अम्मी अभी फटाफट से बना रही हैं। बाकी ये जो मेरा स्टैंड था ना ट्राइपॉड स्टैंड, ये मेरा इस व्लॉग में बहुत काम आया, बहुत बहुत काम आया, आप लोग को व्लॉग से पता चल जाएगा, क्योंकि अकेला था मैं, बाबा को वीडियो ज़्यादा, बाबा जो है स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, बाबा फ़ोन यूज़ करते हैं नोकिया का छोटा वाला, तो बाबा जो है स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, बाबा को वीडियोस बना तो लेते हैं, लेकिन मतलब मेरे टाइप, मुझे मेरे मतलब की नहीं बना सकते, तो इस वजह से मैंने ट्राइपॉड लिया था, जो ट्राइपॉड आपको देखा था कल के व्लॉग में जो मैंने लिया था, वो मैंने लिया था आज के व्लॉग की वजह से, तो मतलब आज का व्लॉग बेहतरीन हुआ है। और अगर व्लॉग पसंद आया ना तो यार देखो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत मेहनत लगी है, जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स करवाओ यार, मुझे जो है एक गिफ्ट मिलने वाला है, पता नहीं क्या गिफ्ट है, बाहर से गिफ्ट आने वाला है मेरे लिए, 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी सब्सक्राइब करो। बाकी अभी खाना बन जाए तो मिलता हूँ आपसे।